तो बच्चों, मिडिल स्कूल कैप्टन बनना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। मिडिल स्कूल कैप्टन को ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि स्पोर्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अव्वल रहना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ वही बच्चे अपना नाम रजिस्टर करवाएं जो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का दम रखते हो। Yes, sir. रोनी, नो धक्का मुक्की, नहीं तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगा। चलो लाइन बनाओ, सब बच्चे लाइन बनाओ। रोनी पीछे जाओ। बच्चों, मिडिल स्कूल कैप्टन बनने के लिए 3 कंपटीशन होंगे। पहला डांस का कंपटीशन, दूसरा क्विज का कंपटीशन एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेस का कंपटीशन। जो भी बच्चा इन 3 में से 3 या 2 कंपटीशन जीतेगा वो बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। सर, क्यों बेकार में बच्चों की परेड ले रहे हैं? जब सारे कॉम्पिटिशन मुझे ही जीतने हैं तो बिना कॉम्पिटिशन के मुझे मिडिल स्कूल कैप्टन क्यों नहीं बना देते? शट अप रोनी, तुम्हें तो कॉम्पिटिशन से बचने का बहाना चाहिए। चुपचाप लाइन में खड़े रहो, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। साइलेंस। तो जो बच्चा ये कंपटीशन जीतेगा उसे मिलेगा ये मिडिल स्कूल कैप्टन का बैच। बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा खुश मत हो मच्छर, ये बैच तुम्हें नहीं मुझे मिलने वाला है। वो वक्त बताएगा। वक्त नहीं, रोनी बताएगा तुम्हें और तुम्हारी इडियट बहन को भी। वैसे तुम्हारी बहन है का? इतने इंपॉर्टेंट काम के टाइम पे तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई। वेरी बैड, वेरी बैड। कहा था ना मच्छर, रोनी से पंगा बहुत भारी पड़ेगा। अब तुम मेहर को ढूंढोगे कि अपना नाम रजिस्टर करवाओगे? ये मेहर तो रह गई। देखो रोहित केवल, ये तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो। मुझे जाने दो वरना पीट दूंगी। केवल, मैं तो डर गया यार, तो छोड़ देते वरना ये मैं पीट देगी। जाने देंगे, हमें कौन सा इसे बिठा के इसकी पेंडिंग बनानी है। लेकिन जाने तो इसे तब मिलेगा जब रोनी बॉस मिडिल स्कूल कैप्टन के लिए नाम रजिस्टर करवा लेंगे। और मानव इसको ढूंढने के चक्कर में अपना नाम रजिस्टर ही नहीं करवा पाएगा। मेरी वजह से मानव अपना नाम मिडिल स्कूल कैप्टन के लिए रजिस्टर नहीं करवा पाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। फिर बालवीर तुम बदमाश बच्चों की बैंड बजा देगा। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। बालवीर, बालवीर क्यों नहीं आ रहा है? मम्मी, बालवीर, अब क्या होगा? ओके, नाम बोलो। राजेश सिंह। रोल नंबर? 10। सर, रोनी मेहरा। रोनी मेहरा। रोल नंबर? रोल नंबर 20 सर, 20। याद रखा करो। हाँ सर, जाओ। मेहर, रोनी एंड गैंग के कब्जे में, अब बालवीर भी नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ बालवीर को बुलाने की। बालवीर, बालवीर जल्दी आओ, मैं और मेहर मुसीबत में। बालवीर, ओलो, बालवीर तो नहीं आ रहा। अब ऐसी सिचुएशन में मैं अपना नाम रजिस्टर करवाऊंगा
तो रोनी के चमचम नहर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या करूं? क्या करूं मैं? मानो कुछ भी कर, लेकिन अपना नाम रजिस्टर करने के बारे में मत सोच, नहीं तो बोलने वाली तेरी बहन है ना, आज उसी की पिटाई हो जाए। तो बच्चों, मेरे पास कुल मिला के 6 नाम आए हैं, 1 मिनट में और देता हूँ सोचने के लिए, उसके बाद कोई भी बच्चा अपना नाम रजिस्टर नहीं करा पाएगा। ओके, बढ़िया ही बालवीर वाली, कहाँ गया तेरा बालवीर अब? उसके पास और भी जरूरी काम है, और तुम दोनों भाई बहन के लिए फ्री नहीं बैठा कि जब दिल किया बुला लियो। अब क्या करेगी तू? मानव का मिडिल स्कूल कैप्टन बनने का चांस तक गया। उधर रोनी बस उसको रजिस्टर करने नहीं देंगे, और यहाँ हम तुझे जाने नहीं देंगे। दोनों का ये घटिया प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं हर बार पीट दूंगी बोलती थी ना, अब देखना मैं तुम दोनों को सच्ची में पीट दूंगी। मैंने पकड़ रहा हूँ, तू पकड़। बालपुरी, हुआ क्या है? क्यों लग रही आप इतनी चिंतित और परेशान? टुपा टुपा एक, पता नहीं क्यों हमारा जी बहुत घबरा रहा है। इतना समय हो गया, अब तक तो परियों को उस अदृश्य टापू से आ जाना चाहिए था। हाँ। अभी तक नहीं आए, कहीं कुछ लो आ गई सब। आप बेकार में परेशान हो रही हो, है सब कुशल मंगल? हाँ। अच्छा वो आप सब आ गए, हम तो यूं ही घबरा रहे थे। जयवीर, आप ठीक तो है ना? बालवीर, बालवीर कहाँ है? बालवीर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे भटकाती परी, आर पार परी, आप बताइए ना, बालवीर कहाँ है? बालवीर आप लोग के साथ क्यों नहीं आया? आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आप लोग सब रो क्यों रहे हैं? आप लोग बालवीर नजर क्यों नहीं आ रहा हमें? नटखट परी आप जवाब दीजिए ना, कोई जवाब नहीं दे रहा, कहाँ है बालवीर? वो हमसे कह के गया था कि वो यूं गया और यूं आया, कहाँ है बालवीर? नरसपुरी, अब हमें जवाब दीजिए, कहाँ है मेरा बालवीर? बालवीर कहाँ है? कोई हमें जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ, कितना सुकून, कितना आनंद मिल रहा है सबके रोते हुए चेहरे देखकर। इतने दिनों बाद ये शुभ दिन आया है बाल परी को खुश खबरी सुनाने का। बाल परी, आपको ये दुख भरी खबर सुनाते हुए हमें भी बहुत तकलीफ हो रही, पर होनी बहुत बलवान है और उस होनी ने हमसे हमारा बाल भी छीन लिया है। बालपरी अब बालवीर इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है।
रानी परी, ऐसा नहीं हो सकता। डुबड़ चार, अरे नहीं पता इनको, कह रही ये क्या कह रही है कि हमारा बालवीर बीबी भी बच्चों को बचाने वाला बालवीर महान योद्धा नहीं रहा। नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों फाइनल काउंटडाउन बिगिंस, 10, 9, 8। सर पवन यादव। पवन यादव रोल नंबर 4। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, टाइम ओवर। तो बच्चों अब जिसे भी अपना नाम रजिस्टर करवाना है उसे 1 साल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस साल का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। नो सर। सर अभी एक नाम बाकी है मानव का। नो 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 नो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया था, तब क्यों नहीं रजिस्टर करवाया मानव ने? प्लीज सर, वो मेरे आने का इंतजार कर रहा था। वो हर अच्छे काम की शुरुआत अपने बहन के साथ करता है। हाँ सर। सर मैं मेहर का ही वेट कर रहा था, अब वो आ गई है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर प्लीज अब मेरा नाम रजिस्टर कर दीजिए ना सर। सर प्लीज सर प्लीज। नहीं नहीं सर, ये तो चीटिंग है। एक बार टाइम खत्म हो गया तो हो गया, अब जाओ यहाँ से, अगले साल आना। शट अप रॉनी, तुम कौन होते भगाने वाले? ज्यादा होशियार मत बनो नहीं तो मैं मुर्गा बना दूंगा। साइलेंस। मानव बेटा, आई एम प्राउड ऑफ। जो बच्चा अपनी बहन की इतनी केयर करता है वही बच्चा स्कूल के बाकी बच्चों की इतनी केयर कर सकता है। वेरी गुड, डोंट वरी बी हैप्पी। मैं तुम्हारा पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन करूंगा। ओके। यस यस, थैंक यू सर। तो बच्चों टोटल 8 बच्चों का नाम रजिस्टर हुआ है मिडिल स्कूल कैप्टन बनने के लिए, तो अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कल से कंपटीशन शुरू होगा, पहला डांस का, फिर क्विज का और लास्ट में रेस का। ओके सर। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मेहर तू ठीक तो है ना? रोहित केवल ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? मानो सच्चाई और अच्छाई को कोई बांध के नहीं रख सकता। हमने पहला स्टेप जीत लिया है। मिडिल स्कूल कैप्टन मानव ही जीतेगा बच्चों। मानव मेरे साथ ना आज कुछ अजीब हुआ। क्या? मैंने जब बालवीर को बुलाया तो बालवीर मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। हाँ मैं भी बालवीर को बुला रहा था पर वो नहीं आया। क्यों?
पता नहीं। चल मानो अभी कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हैं। बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? बालवीर, बालवीर कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? बालवीर कहाँ चले गए हो आप? बालवीर कहाँ चले गए आप? माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन आप हमें ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या है ये बालवीर? क्या है ये बालवीर? आप पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं बालवीर? क्या है ये? क्या हमारे पास आइए बालवीर? बालवीर, बालवीर, बालवीर आप यहाँ आइए हमारे पास, हमें छोड़ के मत जाइए बालवीर। बालवीर, बालवीर कहाँ है? कहाँ है बालवीर? संभालिए, संभालिए अपने आप को बालवीर। बालवीर हमसे बहुत दूर चला गया, इतना दूर कि अब वो वहां से कभी लौट के नहीं आएगा। नहीं, नहीं, बालवीर यही था, अभी यही था, मेरे साथ था। बालवीर नहीं जा सकता। बुझ गया परिलोक का सूरज, अंत हुआ सच्चाई का, जीत गई बुराई। रो परियों, मातम मनाओ, रो बार बार बालवीर की याद में। देखो अंधेरे में डूबा है पूरा परिलोक, अब ये गम का अंधेरा परिलोक की किस्मत बन जाएगा और यहाँ कभी खुशी की सुबह नहीं होगी, कभी नहीं। वैसे भयंकर परी, सच कहूँ तो ये अच्छे लोग बड़े ही बेवकूफ होते हैं। बेचारा बालवीर कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं उसकी मदद करने नहीं, उसे मिटाने आया हूँ। परी भयंकर, अब रहा नहीं जाता मुझसे। कब कब बनाओगी आप उन बेवकूफ परियों को अपना गुलाम और कब चलाऊंगा मैं उन पे अपना हुकुम? हम कब चलाएंगे उन पे अपना हुकुम? जल्द ही, बहुत जल्द। तौबा तौबा, एक बार, बस एक बार बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड में आ जाए, फिर जयवीर महाशक्तिशाली हो जाएगा और हम दोनों मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर परियां बनेंगी मेरी गुलाम। आएगा, आएगा मजा, आएगा बहुत मजा, परी भयंकर, आएगा बहुत मजा। हाँ तौबा तौबा, लेकिन इस सब के साथ मुझे एक काम और करना है। हाँ, बनाना मुझे प्रधानमंत्री। चुप बेवकूफ, मुझे एक और काम करना है। बालवीर को तो मैंने मिटा दिया, अब उसकी यादों को भी मिटाना है। परिलोक और पृथ्वी लोक में सब उसे भूल जाएंगे, मैं उसका एक एक अंश मिटा दूंगी और बालवीर इतिहास बन जाएगा, एक ऐसा इतिहास जिसे कोई याद नहीं रखेगा, कोई भी नहीं। रेडी है मानव? हाँ, ओके। 5, 6, 7, 8। मानव, पहले तू मुझे देख, फिर कर, ओके? ओके। हाँ। 5,
5, 6, 7, go. अब ठीक से कर, ओके? 5, 6, 7, 8. सही है ना? मानो, तू क्या कर रहा है? देख, ठीक से कर, वरना पीट दूंगी। अरे मैं क्यों बच्चे की जान ले रही है? तुझे मालूम है ना, मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ। तो फिर? नहीं, तू अच्छा डांसर नहीं है। मानव, तू बहुत अच्छा डांसर है। भूल गया? लास्ट ईयर तूने डांसर ऑफ द ईयर का टाइटल जीता था। मानव, अब तू सपने से बाहर निकल और इस बार की परफॉर्मेंस की तैयारी कर। यू कैन डू इट। ओके, आई कैन डू इट। आजा मैदान में। मानव, मैदान में नहीं, यहाँ करे चलेगा? अरे मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। अरे अरे रॉकी चाचू, हम खेल नहीं रहे। मानो मिडिल स्कूल कैप्टन बनने के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहा है और मैं उसे सिखा रही हूँ। डांस? अरे वाह, डांस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी डांस करूंगा, मैं भी डांस करूंगा। ओके, म्यूजिक। अरे बापू जी, बापू जी, उठाओ, उठाइए मुझे, उठाओ। अरे बापू जी, क्या हो गया? अरे कैसे गिर गए आप? भाई बापू जी, हे महेश, रॉकी। अरे रॉकी बेटा, तू ये क्या कर रहा था? मैं तो डांस कर रहा था। अरे रॉकी बेटा, डांस करना है तो मानव और मेहर की तरह करो, ऐसे ऊपर नीचे हाथ करने से डांस नहीं होता। अरे डांस तो हमारे जमाने में होता था, क्लासिकल, भरतनाट्यम, कथक, और हाँ वो अपना ऐसा कमर में हाथ डाल के डांस कर रहे थे लड़के लड़की, ऐसे ऐसे कर। बॉलरूम डांसिंग। बॉलरूम डांस। ओ अबू जी, वो तो अभी भी होता है। लेकिन वो आज के जमाने का जैसा नहीं, पहले के जमाने का जैसा। डांस का शौक तो मुझे भी बहुत था, लेकिन मेरे पिताजी को पसंद नहीं था। डांस करने पे वो डांटते थे। बस बेटा, तब से वो डांस मेरे बदन में दब के रह गया है। तो दादाजी, आज आपके दबे हुए डांस को बाहर निकालिए ना। हाँ तो बापू जी, हो जाए आज आधुनिक म्यूजिक पे पुराना डांस। हाँ हो जाए, हो जाए म्यूजिक। बॉल डांस, बॉल डांस। ये बापू जी, वो ये नहीं, वो वाला पुराना वाला आपका बॉल डांस। वो अच्छा, ये देखो। बाबूजी, मैंने कर दिया डांस, अच्छा था ना? मैंने क्या हुआ तेरा पिता? अरे मैं अटक गया हूँ। अटक गए बाबूजी? आजम, अरे बाबूजी सॉरी। मजा आ गया। बाबूजी मजा तो आ गया, लेकिन अपनी उम्र संभालिए। रॉकी मोटा भाई, सॉरी सॉरी। और उम्र की बात मत करना, अभी मैं 2 घंटे नाच सकता हूँ। बोलो नाचो। नहीं। अच्छा हुआ ना का। और वैसे भी अभी मेरी उम्र थोड़ी है डांस करने की। बच्चों आओ, डांस करने की उम्र तो बच्चों की है, तो दिल लगा के प्रैक्टिस करो और जम के नाचो, जीत तुम्हारी होगी। यस। बालवीर की याद हमें भी रह रहकर बहुत सता रही है परी। उसका मासूम चेहरा बार बार हमारी आंखों के सामने आता है और हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए परियों कि बालवीर एक शहीद की तरह गया है, और एक शहीद के जाने पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि उनके बलिदान पर गर्व किया जाता है। एक शहीद की सच्ची श्रद्धांजलि तब होती है जब उसकी जंग को जारी रखा जाए। और विधि का विधान देखो परियों, नियति ने हमारे पास जयवीर भेज दिया है। अब जयवीर बालवीर की जगह लेगा।
और बनेगा सच्चाई और अच्छाई का नया रक्षक। नहीं रानी परी, बालवीर की जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि वो कहीं नहीं गया। बालवीर, बालवीर यहीं कहीं है, वो आएगा रानी परी, आप देखिएगा वो जरूर वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा रानी परी, वो जरूर वापस आएगा। संभालिए अपने आप को, इस तरह से तो आप अपना स्वास्थ्य खराब कर देंगी। कैसे संभाले अपने आप को ननकट परी, बालवीर हमारी जान है, हमारे जीने का सहारा है, उसकी जुदाई की याद हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, आप नहीं जी सकते बालवीर के बिना। नहीं बालपरी, ऐसा मत बोलिए। बालपरी, बालवीर जिस तरह आपके लिए था उसी तरह हमारे लिए भी था, इसीलिए उसे एक वीर सिपाही की तरह अंतिम विदाई दी जाएगी। बालवीर की अंतिम यात्रा में उसकी सारी प्रिय वस्तुओं को एक पावन संदूक में डालकर स्मृति वृक्ष के पास छोड़ दिया जाएगा, जहां पहले की सारी रानी परियों के अंश तितलियां बनकर उस वृक्ष में रहते हैं। बालवीर की यादें भी तितलियां बनकर उस वृक्ष पर रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, नहीं रानी परी, आप ऐसा नहीं कर सकते, बालवीर वापस आएगा। नटकर परी, आप समझाइए ना रानी परी को, परी वो जरूर वापस आएगा। परी, परी रानी परी को समझाइए ना। चलिए बालवीर। वाह बॉस, क्या गेटअप किया आपने। हाँ बॉस, अच्छा हुआ कि आपने फेस पे पेंटिंग कर ली, वरना कंपटीशन के बाद आप किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। इडियट्स, वो डुप्लीकेट रॉनी है, असली रॉनी मैं हूँ। बॉस, आपका एक जुड़वा भाई भी है। हाँ बॉस, ये गलत है, आपने बताया क्यों नहीं कि आपके घर पे दो दो आती है। Shut and listen, मुझे डांस वांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं बॉस, आपको डांस करना आता ही नहीं है। हाँ बॉस, जब आप तालवीर को बुलाने के लिए नाचते थे ना, तो ऐसा लगता था कि कोई भैंस नाच रही है। चुप करो, सुनो ध्यान से। ये लड़का दिखने में तो मुझ जैसा है, मगर डांस मुझसे कहीं गुना ज्यादा अच्छा करता है। जैसे तुम लोग नहीं पहचान पाए कि हम दोनों अलग हैं, वैसे वो लोग भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये रॉनी नहीं मेरा डुप्लीकेट है। तो उसमें क्या हुआ बॉस, एक आप क्या कम मुसीबत है कि दूसरे मुसीबत को भी ले आए। अरे इडियट, तुम लोग को इतनी बात नहीं समझ में आती, डांस कंपटीशन में रॉनी बनकर ये डांस करेगा, मैंने इसीलिए तो इसे पैसे देके हायर किया है। बस पैसे वेस्ट कर दिया आपने, कि डांस कंपटीशन मानव ही जीतेगा। हाँ बस, लास्ट ईयर डांसर ऑफ द ईयर भी मानव नहीं जीता था, और उस मानव को हराना आप जैसे हाथियों के बस की बात नहीं है। लास्ट ईयर वो इसलिए जीता था क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, पर इस साल मैं यहाँ पे हूँ। ये कंपटीशन तो रॉनी ही जीतेगा। चलो बॉस, एक सेकंड के लिए मान लिया कि आप डांस कंपटीशन जीत गए, लेकिन क्विज़र रेस का क्या? हाँ बॉस, आप दिमाग से छोटे और शरीर से मोटे हो, फिर क्विज़र रेस में आपकी वाट लग जाएगी। तब की तब देखेंगे, पहले मुझे डांस कंपटीशन जीतना है, वो भी चीटिंग करके। शुरू होती है।
आपने तो कहा था कि पहले डांस कॉम्पिटिशन होगा और रेस सबसे एंड में। चुप, ऐसे फालतू मजाक करोगे तो मैं मुर्गा बना दूंगा। हाँ तो बच्चों, इस कंपटीशन के पहले राउंड यानी कि डांस कंपटीशन के जज हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सर। तो बच्चों, हमारे इस कंपटीशन में एक पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं और हमारे पहले पार्टिसिपेंट का नाम है पवन यादव। हमें स्मृति वृक्ष पर भेजने के लिए बालवीर की सभी प्रिय वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इससे काल चक्र में जीवन और मृत्यु का एक अध्याय पूरा हो जाएगा और बालवीर की पुण्य आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, नहीं रानी परी, हम बालवीर की ये चीजें नहीं दे सकते। आएगा, ये माँ के दिल की पुकार है, उसे आना ही होगा। वो जरूर आएगा रानी परी, वो जरूर आएगा। बाल परी, आपसे ये सब चीजें लेने का हमारा भी मन नहीं है, पर ये परी लोग की रीत है और इसे पूरा करना होगा। बालपरी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को, दे दीजिए ये वस्तुएं, दे दीजिए बालपरी। हाँ बालपरी, ये सब बालवीर की यादों को संजोने के लिए ही हो रहा है, मान जाइए। नहीं, बालवीर की चीजें हम नहीं देंगे। बालवीर वापस आएगा, वो अपनी ये सारी चीजें मांगेगा, नहीं देंगे। बालपरी मान जाइए, बालवीर की आत्मा की शांति के लिए ये जरूरी है। डुबा डुबा यहाँ आइए और बालवीर की सारी प्रिय वस्तु ले लीजिए। बालवीर का एक अंश भी नहीं रहने दूंगी परिलोक में, जल्द ही सब उसे भूल जाएंगे और सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होगा, भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। मेरा काम तो हो गया।
रोनी के बच्चे ने जानबूझकर मानव का ध्यान भटकाने के लिए सब किया ताकि मानव अपने डांस स्टेप्स भूल जाए। तो बच्चों अब मैं डांस कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस करूंगा। प्राची दवे को मिलते हैं 10 में से 8 मार्क्स, ओम पटेल को मिलते हैं 10 में से 6 मार्क्स, दिया जोशी को मिलते हैं 10 में से 7 मार्क्स, तो बच्चों अब लास्ट में 2 नाम बचते हैं, रोनी और मानव। दोनों ही बच्चों ने बहुत ही शानदार डांस किया, इसलिए रोनी मेहरा को उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं 10 में से पूरे 10 मार्क। Yes! और अब लास्ट में नाम बचता है मानव डगली का। मानव ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन लास्ट में वो 1-2 स्टेप भूल गया, नहीं तो उसको भी मिलते 10 में से पूरे 10 मार्क्स, लेकिन अब उसे मिलते हैं 10 में से 9 मार्क्स। बच्चों अब से थोड़ी देर में शुरू होगा क्विज कंपटीशन, इसलिए बच्चों क्विज की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस रोनी ने जानबूझकर मेरा कंसंट्रेशन हटाया था और हमें इसके बारे में बालवीर को बताना होगा। नहीं मानव, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब 2 राउंड्स बाकी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो 2 राउंड तू ही जीतेगा, और इस चालबाज रोनी को तो हमें हराना ही होगा। चल अब नेक्स्ट राउंड की तैयारी करते हैं। देखते नहीं चल सकते, वही कोशिश तुम्हारी हिम्मत मुझे धक्का देने की। सजा मिलेगी इसकी, बराबर सजा मिलेगी, क्योंकि है नहीं दिया धक्का तुमने किसी अरे घरे को, बल्कि है दिया धक्का तुमने बालवीर के मित्र डुबाड़ुआ एक को। नहीं नहीं, अरे है नहीं कोई मामूली चीज, है ये मेरे प्यारे मित्र बालवीर। बालवीर का खिलौना, बालवीर डुबाडू भाई, हमने तुम्हें सेनापति इनकी मदद करने के लिए बनाया है, ना कि इन पर अपना हुकुम चलाने के लिए। हो गई गलती मुझसे बालवीर, कर दो माफ मुझे बालवीर। क्यों चले गए छोड़ के तुम मुझे, कौन डांटेगा मुझे मेरी गलतियों पर, ऐसे लगेगा स्वाद क्रीम का तुम्हारे बिना, ऐसे डुबा डुबा एक नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं हिम क्रीम कभी नहीं खाऊंगा। नहीं डुबा डुबा चार नहीं डुबा डुबा भाइयो नहीं डुबा डुबा भाइयो रोना नहीं। चलो हो गया है समय अपने प्रिय मित्र बालवीर के प्रिय चीजों को अंतिम यात्रा पे ले जाने का, चलो चलो। सब मामला रेडी है,
बस अब इनका कनेक्शन कर देता हूं मैं। अरे ओहो, अरे यार मेन स्विच तो मैं ऑफ करके आया था। अरे जब ऑन करूंगा तभी तो करंट आएगा इसमें। अभी ऑन करके आता हूं। बॉस, आप क्या यहाँ बल्ब चुराने आए हो? हाँ बॉस, आप ऐसे चिंदी चोरी क्यों कर दो? अरे इडियट्स, मैं चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लूं, ये कंपटीशन नहीं जीत सकता। अरे बॉस, ट्राय तो करो। चल केवल, हम बॉस के लिए नर्सरी की बुक ले गए थे। चल डोंट एंग्री रॉनी, मैं कंपटीशन तो जीतूंगा लेकिन पढ़ाई करके नहीं, चीटिंग करके। मैं मानो के बजर का कनेक्शन ही लूज कर दूंगा, फिर चाहे वो कितनी बार भी बजर दबाए बत्ती जलेगी ही नहीं। वाह बॉस, आजकल क्या दिमाग तेज करने की दवाई खा रहे हो? हाँ बॉस, खाते जैसा दिमाग लोमड़ी जैसा काम कर रहा है। इडियट्स, अब चलो कनेक्शन लूज करने। चलो ये रहा। रोहित अपना रुमाल दो। क्यों? अरे रुमाल पकड़ के कनेक्शन लूज करूंगा तो सेफ रहेगा ना। बस क्या बॉस, बस ये सारे कनेक्शन बंद पड़े और आप आपकी सेफ्टी के लिए मेरा साफ रूमाल वेस्ट करोगे? अरे बॉस, अब बिंदास हाथ यूज करो, कुछ नहीं होगा। ओके ओके, हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है कि आज बालवीर हमारे साथ नहीं है, पर दिल को कड़ा करके हमें बालवीर की अंतिम यात्रा को पूरा करना चाहिए। रानी परी, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है? आप कह रहे हैं ना बालवीर आएगा, बालवीर जरूर आएगा। परियो, हम जानते हैं बालवीर जरूर आएगा। ये आपका भ्रम है बालपरी, है बालपरी, ये आपका भ्रम है बालपरी, है बालपरी। हमारा मतलब है कि बालवीर के जाने का दुख हम सबको है बालपरी। आप उसकी माँ है, इसीलिए आपका मन नहीं मान रहा है कि बालवीर अब नहीं आने वाला। लेकिन सच यही है बालपरी कि बालवीर अब इस दुनिया से जा चुका है। डूबा डुबाऊं, बालवीर की अंतिम यात्रा के लिए उसकी सभी प्रिय वस्तुएं यहां लाई जाएं। से कुछ ही समय में बालवीर की यादें तितलियां बनकर स्मृति वृक्ष पर बस जाएंगी। अगर आप लोग चाहें तो
तो एक आखिरी बार बालवीर की सभी प्रिय वस्तुओं को देख सकते हैं। सब कुछ छोड़ के क्यों गए बालवीर? जहां कहीं भी हो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। अब श्रद्धांजलि का समय हो गया है। फिर आएगा, वो जरूर आएगा। सारी परिस्थितियां गलत हो सकती है, पर एक माँ का दिल गलत नहीं हो सकता। बाल फिर जरूर आएगा। अलविदा बालवीर, इसी के साथ तुम्हारा अस्तित्व यही समाप्त होता है। अलविदा, सदा सदा के लिए अलविदा। परियो, संभालो अपने आप को। सबसे पहले अपने आंसू पोंछो। और आप सभी मुझे रानी महल में आकर मिलिए। हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। यार केवल, हमें कब कोई अकल वाला बॉस मिलेगा? हाँ यार, ये हाथी तो मोंटू गेंडे से भी मोटी अकल वाला है। यार केवल, मैं सोच रहा हूँ ये पिज्जा बर्गर खाने ही छोड़ दूँ, क्योंकि ये पिज्जा बर्गर के चक्कर में तुमने बहुत मार खाई है यार। हाँ यार, सोच तो मैं भी रहा हूँ। और पिज्जा का चीज, जैलेपिनोस, ऑलिव्स, कैप्सिकम, ऑनियन, पनीर, आई लव पिज्जा। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन पिज्जा नहीं। यार केवल, ये रॉनी गेंडा इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, एटलीस्ट हमें पिज्जा बर्गर तो खिलाते हैं। हाँ, पर अब तक है कहाँ वो टेम्पो? है नहीं। लगता है रास्ते में पंचर हो गया होगा। बस हम आप ही की तारीफ कर रहे थे। मारू क्या? नहीं 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 नहीं, मत 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 मारो। वैसे है कहाँ आप? अब तक कब से आप ही का वेट कर रहे हैं? मैं क्विज कंपटीशन जीतने की तैयारी कर रहा था। लो, कर क्या ना फिर से बेकार का काम। अरे बॉस, आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन ये क्विज कंपटीशन माना भी जीतेगा।
वो देखो कितनी मोटी मोटी किताबों से पढ़ाई कर रहा है। और बॉस वो तो तीन के ऊपर टेबल भी नहीं आता है। अरे टेबल्स को छोड़, उनको तो एबीसीडी भी ठीक से नहीं आती है। कंपटीशन का खाक जीतेंगे। इडियट्स! बॉस तुम दोनों बच्चे हो, अकल के कच्चे हो। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। चिढ़ाओ चिढ़ाओ और चिढ़ाओ, आज तुम्हें खाने में पिज्जा नहीं सूखी ककड़ी मिलेगी। अरे बॉस, आपको कैसे पता चला? ये हम आपको पीछे से मुंह चिढ़ा रहे थे। तीसरी आंख से। ये पेन मेरी तीसरी आंख है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और इसके सामने जो कुछ भी होता है ना उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा इस वॉच में आती है। मैं ये पेन सर को दे दूंगा और सर इस पेन को अपनी फ्रंट पॉकेट में डाल देंगे। उसके बाद सर जिस भी पेपर से क्विज पढ़ेंगे उस पेपर पे लिखे हुए सारे आंसर्स मुझे इस वॉच में दिख जाएंगे। मानव और बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं चीटिंग करके जीत जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे रानी? मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर, नहीं, बालवीर, जल्दी आओ और देखो रानी कितनी बड़ी चीटिंग करने वाला है। महर, लगता है बालवीर जी बहुत बिजी है, लेकिन जब तक बालवीर जी आएंगे तब तक तो मैं कंपटीशन जीत चुका हूँगा। देख रानी, बालवीर जरूर किसी मजबूरी में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी सर को बुलाती हूँ और सर को ये बताती हूँ कि तू कितनी बड़ी चीटिंग कर रहा है। नहीं, हाँ तो जाओ जाओ बता दो सर को, लेकिन तुम प्रूव कैसे करोगी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं चीटिंग कैसे करने वाला हूँ। मैं तीन में से दो कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ और मिडिल स्कूल कैप्टन भी मैं ही बनने वाला हूँ। ये गेंडा तुम्हारी और मानो की लगेगा वाट। हाँ तो ये हाथी हम दोनों को खिलाएगा चाट और तुम दोनों को टीचर्स की डांट। चलो। बालवीर, बालवीर तुम कहाँ हो? बालवीर प्लीज जल्दी आ जाओ वरना सच्चाई हार जाएगी। बालवीर बच्चों साइलेंस, आप क्विज कंपटीशन के सारे कंटेस्टेंट एक एक करके स्टेज पे आएंगे। रोनी अपनी सीट पे जाओ। अरे सर, मैं तो बस आपको सिर्फ इतना कहने आया था कि मैंने बहुत सारे सर देखे, लेकिन सर आप जैसा सर मैं पहली बार देख रहा हूँ। रोनी मस्का नहीं, काम बोलो। नहीं सर, मैं काम से थोड़ी आया हूँ, मैं तो हम बच्चों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट लेके आऊं। हम बच्चे ये चाहते हैं इस पेन को आप अपनी पॉकेट में रख दीजिए, इससे इस पेन की इज्जत और बढ़ जाएगी। नो, रोनी मैं ये पेन नहीं ले सकता हूँ, मैं बच्चों से गिफ्ट नहीं लेता। सर प्लीज ले लीजिए ना पेन, नहीं तो फिर सर स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, सर उदास हो जाएंगे, हम सब रोने लग जाएंगे। सर प्लीज ले लीजिए सर।
नहीं रोनी, मैंने बोला ना ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं नहीं लेता हूँ बच्चों से गेम। प्लीज सर, हम लोगों के लिए प्लीज। ओके ओके, अब बच्चों की खुशी ही मेरी खुशी है। अरे सर टेबल पे मत रखिए, नहीं तो टूट जाएगी। टूट जाएगा? मेरा मतलब है दिल टूट जाएगा सर हम लोग का। सर अगर आप इस पेन को अपनी फ्रंट पॉकेट छोड़ के कहीं पे भी रखेंगे तो दिल टूट जाएगा ना सर हमारा। ओके ओके, अभी मैंने पेन ले लिया, फ्रंट पॉकेट में लगा लिया। ओके अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पे मत खड़े रहो। पर सर मैं सर पे कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो रोनी। ओके ओके सॉरी सर, सॉरी सर। तो बच्चों मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 का सेकंड राउंड यानी कि क्विज कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। ये एक बजर राउंड है, मैं कंटेस्टेंट से 50 क्वेश्चंस पूछूंगा और जिस भी बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो बजर दबाएगा और वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा। लास्ट में जो भी बच्चा सबसे ज्यादा आंसर देगा वो ये क्विज कंपटीशन और ये राउंड जीतेगा। ओके? यस सर। तो बच्चों इस क्विज कंपटीशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना किस स्टेट का कैपिटल है? आंसर है बिहार। पटना किस स्टेट का कैपिटल है? यस रोनी, वेरी गुड, बताओ आंसर। सर बिहार। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पता है रोनी कि तू चीटिंग कर रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि तू चीटिंग कर कैसे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चू, बालवीर हमेशा कहता है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इस बार भी वैसा ही होगा, देख लेना। इस बार सच्चाई नहीं बुराई जीतेगी, बुराई। रानी परी, ओ रानी परी, रानी परी, होती नहीं हजम इस बुरी परी भयंकर को तारीफ, इसने नहीं जवाब दे रही मुझे रानी परी कह के बुलाने पर भी। अभी बुलाता हूँ इसको इसके असली नाम से, परी भयंकर। अरे परी भयंकर बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जोर जोर से मेरा नाम क्यों बुला रहे हो? अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अरे आपकी योजना रहा उस सड़ में अकेला वहाँ भयानक लोक में और यहाँ आप दोनों कर रहे आराम से मजे। संयम, हर चीज का समय होता है। सबसे पहले मुझे बालपरी से बालवीर का वो जादुई दंड हासिल करना है और उसकी शक्तियां जयवीर के दंड में मिलानी है। अच्छा फिर है क्या करना उसके बाद, बोलिए। उसके बाद उसके बाद मुझे पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को बताना है कि वो कितने बेसहारा हो चुके हैं। उनका रक्षक बालवीर खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। भस्म हो गया, भस्म। कितना मजा आएगा जब बच्चे ये खबर सुनकर रोएंगे, तड़पेंगे और अपने आप को कितना बेसहारा और लाचार महसूस करेंगे। अरे भाई क्या, अब माननी पड़ेगी आपको मेरी एक बात। पृथ्वी लोक में ये बुरी खबर सुनाने जाऊंगा सबसे पहले मैं। बच्चों को इससे तड़पता हुआ देखूंगा मैं, ये महान वीर योद्धा तोबा तोबा। ठीक है तोबा तोबा, अब जाओ। है ठीक, उछलता मैं।
एंड फाइनल क्वेश्चन पूछने से पहले आप सब ये जरूर जानना चाहोगे कि कौन से पार्टिसिपेंट का कितना कितना स्कोर है। तो यहाँ पे उपस्थित जजेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक के स्कोर की लिस्ट मुझे दें। तो बच्चों अब तक पूछे गए 49 क्वेश्चंस में रोनी है पहले नंबर पर 20 क्वेश्चन का आंसर देकर। सेकेंड पोजीशन पे है मानव डगली 19 क्वेश्चन का सही आंसर देकर। तो बच्चों थर्ड पोजीशन पे है ओम और दिया 3 पॉइंट्स लेकर और फोर्थ पोजीशन पे है जूही और राजेश 2 पॉइंट्स के साथ। अब अगर इस आखिरी सवाल का सही जवाब मानव देता है तो ये क्विज कंपटीशन रोनी और मानव के बीच में टाई होगा, लेकिन अगर मानव इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है कोई और बच्चा देता है तो ये क्विज कंपटीशन रोनी जीत जाएगा। और ऐसी सूरत में रोनी 3 में से 2 राउंड जीत के बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। तो बच्चों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब मैं पूछने वाला हूं इस क्विज कंपटीशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है परियों ने सब सुन लिया। इससे पहले कि ये कोई कदम उठाए मुझे इन पर आक्रमण करना होगा। रानी परी ये तौबा यहाँ क्या कर रहा है? बच गए, इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अब परी बहक ये तौबा हमसे माफी मांगने आया था, कह रहा था कि अच्छा और सच्चा बनकर वापस परिलोक में आना चाहता है। हाँ, मैं बनना चाहता सच्चा और अच्छा। तोबा नहीं रानी परी, आप इस तोबा की बातों में मत आइए। ये झूठा और मक्कार है, मौका मिलते ही हमें चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ रानी परी ये धोखेबाज है, ये माफी के नहीं सजा के लायक है। ये बचा लीजिए मुझे परी भयंकर। देखा, सही कहा आपने परियों, ये कभी नहीं सुधर सकता। आज भी इसकी जुबान पर भयंकर परी का ही नाम है। अगर इसकी जुबान पर वही नाम है तो दिल में भी वही बुराई होगी। डूबा डुबाओ रानी परी, कर रही रानी परी। ले जाओ इसे और बंद कर दो कैद खाने में। नहीं नहीं रानी परी, ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? नहीं नहीं रानी परी, रानी परी इस तौबा के चक्कर में आप हमें ये बताना तो भूल ही गई कि आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, हमने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया था कि अब हमें बालवीर की जगह जयवीर को पृथ्वी लोक भेजने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जी रानी परी। हाँ रानी परी,
आप सही कह रही हैं। जयवीर को बच्चों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से पहले हम चाहते हैं कि बालवीर का जादुई दंड शस्त्रगार में ना रखा जाए। क्यों रानी परी? क्योंकि अपार शक्तियों से भरा वो दंड अगर किसी बुरी ताकत के हाथ लग गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड के साथ मिला दी जाए ताकि वो अधिक शक्तिशाली बन जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको मुंह जबानी आंसर नहीं करना है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के देंगे। तो बच्चों, अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आंसर जिस भी बच्चे को आएगा वो बजर दबाएगा और इस बोर्ड पे जाके अपना आंसर लिखेगा। तो आपका क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग क्या होती है? मर गए, सर ने तो पेपर ही फोल्ड कर दिया। अब क्या करूं, चांस तो लेना ही पड़ेगा। साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग है PSYCHOLOGICALLY। बच गया, बजर बच गया, लेकिन इस बार दो बच्चों ने साथ में बजर बजाया है, रोनी और मानव। तो तुम दोनों साथ में जाके बोर्ड पे अपनी अपनी स्पेलिंग लिखो। नहीं नहीं सर, साथ में कैसे? अगर उसने मेरी स्पेलिंग कॉपी कर ली तो? ए रोनी, मैं तेरी निकल करके अपनी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करवाना चाहता। मानव, रोनी रोनी, नो वायलेंस साइलेंस, अब अपनी अपनी जगह पे जाओ। इसका उपाय हमारे पास है, तुम इस पे अपनी साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग लिखो और रोनी तुम इस पे लिखो। तो बच्चों, आप दोनों के पास 30 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। क्या लिखा है? PSYKOL। देखिए, रोनी ने लिखा है साइकोलॉजिकली। इससे गलत स्पेलिंग मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी साइकोलॉजिकली की। गलत जवाब रोनी। अब दिखाओ मानव, तुमने क्या लिखा है? PSYCHOLOGICALLY। ये देखिए, एकदम करेक्ट स्पेलिंग साइकोलॉजिकली की। वेरी गुड मानव, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर देके मानव का स्कोर भी हो गया है 20। तो रोनी का भी 20 और मानव का भी 20। ये तो 20-20 का मैच शुरू हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों का स्कोर सेम होने के कारण ये
कंपटीशन तय होता है। तो बच्चों, मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 के दो कंपटीशन हो चुके हैं और अब तक हमने देखा है कि रोनी 1-0 से इस कंपटीशन को लीड कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि रोनी कल होने वाले रेसिंग कंपटीशन में अगर जीतता है तो रोनी बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। लेकिन अगर कल रोनी नहीं जीतता है और मानव या कोई भी दूसरा बच्चा रेसिंग कंपटीशन में जीतता है तो ये कंपटीशन 1-1 से टाई हो जाए। उस सूरत में हमें वोटिंग का सहारा लेना पड़ेगा और जिस भी बच्चे को ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2000।